हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीतिस फ्लेवर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पिज़्ज़ा। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये 2 मिनट में बन जाता है और बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं ब्रेड पिज़्ज़ा। इसके लिए मैंने यहाँ पे ली हैं ब्रेड, ब्रेड स्लाइस लिए हैं मैंने यहाँ पे 4 स्लाइस लिए हैं, यानी कि मैं 4 ब्रेड पिज़्ज़ा बनाऊंगी। और इसके लिए मैंने लिए हैं यहाँ पे अमूल चीज़ जो मैंने ग्रेट कर ली है। यहाँ पे लिया है शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को मैंने चॉप कर लिया है। और मैंने यहाँ पे लिया है टमाटर, टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है। यहाँ पे लिया है मैंने प्याज, प्याज को भी मैंने चॉप कर लिया है। और इसके अलावा आप चाहे तो कॉर्न भी डाल सकते हैं, मेरे पास जो सब्ज़ियाँ अवेलेबल हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने एक बॉल लिया है, इसमें मैं सारी सब्जियाँ डाल लूँगी, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज, इसके बाद इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा ऑरगैनो, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स और डालूंगी इसमें थोड़ा सा सॉल्ट। सॉल्ट हमें कम ही डालना है क्योंकि जो हम चीज़ यूज़ करेंगे ना उसमें भी नमक होता है और पिज़्ज़ा सॉस में भी नमक होता है, इसीलिए सॉल्ट कम डालना है। सारी सब्जियों को मिक्स कर देना है, इसके बाद हमें इसको साइड में रख देना है। मैंने यहाँ पे 4 ब्रेड ली हैं, इस पर मैं लगाऊँगी पिज़्ज़ा सॉस। आप चाहें तो इसमें सेजवान चटनी भी यूज कर सकते हैं। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो टमाटो सॉस लगा दें। चारों ब्रेड पे हमने पिज़्ज़ा सॉस लगा ली है, अब इसके बाद मैं इस पे चीज़ डालूँगी। चारों ब्रेड पे अच्छे से हमें चीज़ को फैला देना है। आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हैं, चाहे तो ग्रेट की हुई, बट मैं यहाँ पे अमूल चीज़ यूज कर रही हूँ जिसको मैंने पहले से ग्रेट कर लिया है। जितना अच्छे से चीज़ डालेंगे ना ब्रेड पिज़्ज़ा में उतना ही मज़ा आएगा, क्योंकि चीज़ के बिना कोई भी पिज़्ज़ा हो बेकार लगता है। इसके बाद हमने जो सब्जियां चॉप की थी उनको हम अच्छे से इस पर फैला देंगे। अच्छे से सारी सब्जियों को इस पर स्प्रेड कर देना है। और इसके बाद हम इस पे बटर को अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। बटर हमारा मेल्ट हो गया है, अब हम इस पे ब्रेड रखेंगे। ब्रेड पिज़्ज़ा हमने तवे पे रख दिए हैं, अब हमें इसको अच्छे से कवर कर देना है। बिल्कुल अच्छे से कवर करना है, बिल्कुल भी एयर बाहर नहीं आनी चाहिए। 2 मिनट के लिए हमें इसको कवर कर देना है, 2 से 3 मिनट तक। दो से तीन मिनट हो गए हैं, अब हम देख सकते हैं हमारी चीज़ बहुत ही अच्छे से मेल्ट हो गई। आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड पिज़्ज़ा बनके तैयार है।
इसी तरह से हम बाकी के अपने दो ब्रेड पिज्ज़ा बना लेंगे। अगर आपकी चीज़ 2 मिनट में मेल्ट ना हो, 2 या 3 मिनट में, तो 1 मिनट और इसको इसी तरह से ढक के रखें और इसको अच्छे से कवर करें। इसमें से भाप बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलनी चाहिए, यानी कि बिल्कुल भी एयर बाहर ना निकले। इसी तरह से हम अपने दूसरे पिज्जा तैयार कर लेंगे। इस पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे 2 मिनट में ब्रेड पिज्ज़ा बनके तैयार हैं। इन्हें बनाना बहुत ही आसान है, ये बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।